हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रोहित सरदाना के बाद एक और मशहूर एंकर कनु प्रिया ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही के बीते हफ्ते में ऐसी खबरें आई जिसने पूरे देश को झिंझोड़ के रख दिया। आप भी जानते हैं, रोहित सरदाना भी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उसके अगले दिन ही खबर आई कि दूरदर्शन की मशहूर एंकर कनु प्रिया भी अब कोविड के चलते इस दुनिया में नहीं रही। आपको बताना चाहूँगा कि कनु प्रिया ने एंकरिंग के अलावा एक्टिंग भी की है। वो कई तरह के टीवी शोज में दिख चुकी है। अगर कुछ के मैं नाम लूँ तो भानवर, अनारो, कहीं एक गाँव, मेरी कहानी, तेसु के फूल और तुम्हारा इंतज़ार है तरह के कई ड्रामास में काम कर चुकी हैं और एक मशहूर हस्ती थी। कनुप्रिया ने अपना करियर एज एन एंकर शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने 80 शोज में भी काम किया। इसके अलावा कनुप्रिया ने खुद को फिल्म मेकर के तौर पे भी एस्टेब्लिश किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कनुप्रिया एक शो का या एक दूरदर्शन के प्रोग्राम की कितनी पैसे लिया करते थे। आपको बस जान के हैरानगी होगी कि दूरदर्शन में काम करते वक्त उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास थी। आपको बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन की सैलरी 1 लाख से 10 लाख के बीच वेरी करती है। जो लोग शुरुआत में आते हैं उन्हें 1 लाख से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे सीनियर एंकर होता जाता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो कनु प्रिया ने शुरुआत में दूरदर्शन के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद वो दूसरे कामों में लग गई थी। जिस समय वो दूरदर्शन में काम करती थी उस समय उनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास थी, जो कि बाद में शोज़ में बढ़कर 3 लाख और 3.5 लाख तक भी पहुंची। वहीं अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करूं तो बताया जाता है कि उनके पास कुल संपत्ति लगभग 4.5 करोड़ की है। दूरदर्शन की मशहूर एंकर कनु प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और इस चीज़ की कमी सभी को खलेगी। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले नेक्स्ट नाइन लाइफ से।